प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कई अशिया ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो तेज़ाबी या असासी नोयत की होती हैं। ये अशिया हमें या तो कुदरती तौर पर दस्तियाब होती हैं या मसनवी तौर पर जो है वो इन्हें हासिल करते हैं। इन अशिया को इस्तेमाल करते वक्त जो है वो हमें या छूते वक्त या इस्तेमाल करते वक्त हमें कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि तेज़ाबी और असासी अशिया जो है वो कमज़ोर और कभी हो सकती है। कमज़ोर तेज़ाब जो है वो हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, लेकिन कभी तेज़ाब या कभी एहसास जो है वो हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। इस बिना पर हमें ऐसी शय की ज़रूरत होती है जिससे हम ये पता लगा सकें कि ये तेज़ाब कभी है, ये एहसास कभी है, या ये तेज़ाब और एहसास जो है वो कमज़ोर है जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो ऐसी शय जो हमें तेज़ाब या एहसास की जो है वो शनाख्त करके दे वो शय मज़हर कहलाती है। मज़हर दरअसल वो चीज़ है जो महलूल के रक्त में आने पर जो है वो मखसूस रंग जाहिर करती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये तेज़ाब है या असास है, या कमज़ोर तेज़ाब है या कमज़ोर असास है, या कमज़ोर कभी तेज़ाब है या कभी असास है। कुदरती और मस्तनी तौर पर तैयार होने की बिना पर या दस्तियाब होने की बिना पर जो है वो मज़हर को दो किस्मों में तकसीम किया जाता है, एक कुदरती मज़हर और एक मस्तनी मज़हर। कुदरती मज़हर जैसे शलजम है, गुलाब है, हल्दी है या टमाटर है, इन चीज़ों को जो है वो कुदरती मज़हर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको तैयार करने के लिए जो है वो हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तख्तीरी कागज़ को इन अशिया के ऊपर रगड़ कर या इन अशिया के महलूल में तख्तीरी कागज़ को डुबो कर उसकी पट्टियाँ काट के कुदरती मज़हर जो है वो तैयार किया जा सकता है। ऐसे मज़हर जो तजुर्बा हमें तैयार किए जाते हैं उन्हें हम मसनवी मज़हर कहते हैं। इन मज़ाहिर का इस्तेमाल जो है वो इन मज़ाहिर की तैयारी कीमिया अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन लिटमस कागज़ है, मिथिल ऑरेंज है, फिनाफ्थेलिन है, मिथिल रेड है, इन अशिया को जो है वो तजुर्बा के अंदर ही जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बिना पर जो है वो मज़हर की मदद से हम तेज़ाब और असास की शनाख्त कर सकते हैं। सुर्ख लिटमस कागज़ जो है वो तेज़ाबी महलूल के अंदर जो है वो सुर्ख ही रहते हैं, जबकि नीला लिटमस कागज़ जो है वो तेज़ाबी महलूल के अंदर जो है वो सुर्ख हो जाता है। उसी तरह से नीला लिटमस कागज़ जो है वो असासी महलूल में नीला रंग ही जाहिर करता है, लेकिन लाल लिटमस कागज़ जो है वो असासी महलूल में नीला रंग जाहिर करता है। इस बिना पर हम लिटमस कागज़ की मदद से तेज़ाब और असास की शनाख्त कर सकते हैं। इसी तरह से फिनाफ्थेलिन, मिथिल ऑरेंज, मिथिल रेड का इस्तेमाल करके भी महलूल की शनाख्त की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे मज़ाहिर का इस्तेमाल करके आफाकी मज़हर तैयार किया जाता है। आफाकी मज़हर को मुख्तलिफ महलूल के अंदर डाल के उनकी तेज़ाबियत या असासियत की जाँच की जा सकती है। आफाकी मज़हर मुख्तलिफ महलूल के अंदर मुख्तलिफ रंग को जाहिर करता है जिसकी बिना पर हम ये तय कर सकते हैं कि वो तेज़ाब है या असास है।